दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक चांद के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 के अंदर चंद्रयान 1 के जरिए चांद पर पानी खोज निकाला था। और अगर आपको पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पानी खोज लिया जाता है तो वैज्ञानिकों की भी दिलचस्पी उस ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़ जाती है। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन साल 2019 में इसका लैंडर चांद की जमीन पर नहीं उतर पाया। लेकिन 14 जुलाई को भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकला था। उसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव वाले इलाके में उतरकर वहां की जांच करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 अब कहां पहुंचा है। उसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तो अब ये इतना ज्यादा रफ्तार में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड तो इसरो कंट्रोल कैसे कर रहा है। आखिर उसके अंदर कितना फ्यूल है और वह चांद पर कब तक उतर जाएगा। चांद पर जाने के बाद भारत के वैज्ञानिकों को क्या भेजने वाला है। चांद की इस वीडियो रिपोर्ट में सभी बातों का खुलासा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरी दुनिया की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वह सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 5-6 राउंड काटकर वह पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा ही किया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार राउंड काटता हुआ चंद्रमा के नजदीक जा रहा है। करीब 6 राउंड काटकर यह पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल इसरो की ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी के अंतिम राउंड में पहुंच चुका है, यानी कि पृथ्वी की चारों ओर यह लास्ट राउंड काटकर वह सीधा चांद के रास्ते पर निकल पड़ेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, चंद्रयान करीब 31 जुलाई को पृथ्वी के चारों ओर इस सारे चक्कर पूरे कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए बनाया तो फिर से पृथ्वी के चारों ओर इसे क्यों घुमाया जा रहा है, सीधा ही चांद पर क्यों नहीं भेज दिया जाता। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग करता है, यानी चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान पृथ्वी से काफी दूर और चंद्रमा के नजदीक होगा। लेकिन दोस्तों, ये काम जितना हमें सरल लग रहा है वह इतना है नहीं। इसमें कई सारे भयानक एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा और इसे मुद्दे को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपने पूरी प्रक्रिया तो समझ ही ली, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए होंगे कि चंद्रयान 3 तो अभी अंतरिक्ष में है पर इसरो इसकी कक्षा को बदलेगा कैसे। तो हम आपको पहले इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को इन बातों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्टर लगाए थे। इन थ्रस्टर को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। 31 जुलाई वह तारीख होगी जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा। और फिर आपको यह रास्ता दिख रहा है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का, इस रास्ते पर यह मुसाफिर चल पड़ेगा। इस रास्ते पर लगभग 5 दिन तक यह यात्रा करके चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके थ्रस्टर्स के जरिए इस चांद की कक्षा में इसे स्थापित कर दिया जाएगा। फिर राउंड के जरिए यह धीरे धीरे चंद्रमा के नजदीक जाता चला जाएगा। फिर 17 अगस्त की तारीख को पेलोड, लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और फिर लैंडर और रोवर चांद के अंडाकार कक्षा में आएंगे। चांद की कक्षा में आने के बाद वैज्ञानिकों का काम इसकी गति को धीमा करना होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्ट को इसकी गति के उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को दिन आएगा जब यह मुसाफिर चांद की उस रहस्यमय जगह पर उतर जाएगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्ते की खोजें भी की हैं। लैंडर और रोवर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है जिसमें चंद्रयान 2 जैसी किसी भी गलती के बारे में बचा जा सके। और यह तो आपको पता ही है कि भारत में इससे पहले 2 चंद्रयान चांद पर भेजे जा चुके हैं। यह तीसरा मुसाफिर है और चांद पर ध्रुवीय इलाकों में शोध करने के लिए गया है। लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर चांद के उस गड्ढे वाली जमीन के ऊपर चलेगा और वहां से कई बड़े बड़े खुलासे करने वाला है और पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की इस पर नजर है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक चांद के क्षेत्र से अनजान है। आज से पहले जिस देश ने भी वहां पर जाने की हिम्मत की है उसका मिशन वहां पर जाने से पहले ही फेल हो गया, लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा फ्यूल है जो इसे इस ब्रह्मांड के अंदर चला रहा है। दोस्तों, आज चंद्रयान अंतरिक्ष में इस रफ्तार से चल रहा है कि अगर उसकी कमांड में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। चंद्रयान 3 14 तारीख को लॉन्च हुआ था, उसके 16 मिनट बाद यह पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच चुका था।
और यह भी आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने के लिए एक सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी होती है। इतनी स्पीड इस रॉकेट में लगे बूस्टर और अलग अलग इंजन हासिल करवा देते हैं। अब यहाँ बात आते है कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो क्रायोजेनिक स्टेज से अलग होते ही खत्म हो चुका है, मतलब लॉन्च से केवल 16 मिनट के बाद से ही पूरा का पूरा खेल पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 3 चल किससे रहा है? तो दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 तीन तरह की एनर्जी से चल रहा है। एक तो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल के दो टैंक हैं, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरी। फ्यूल की बात करें तो यहाँ पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, ना इसमें एविएशन केरोसिन का इस्तेमाल होता है जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज होने वाला प्रोपेलेंट हाइड्रोजन होता है। इसको जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब यह पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा तब वह चांद और पृथ्वी के बीच के सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। और इसी दौरान दोस्तों, इसकी स्पीड जिसे वैज्ञानिक वेलोसिटी के तौर पर जानते हैं 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धरती की ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी धरती चंद्रयान 3 वापस से अपनी ओर खींच लेगी और ये मिशन बर्बाद हो सकता है। लिहाजा इसरो वैज्ञानिक इसके इंजन को फिर से चालू करेंगे तो इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में दो बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं जिनको जलाने से ही ऊर्जा मिल रही है। अब 1 अगस्त को बड़ा काम होगा, क्योंकि इस दिन इसरो वैज्ञानिकों का इंतजार है कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में अंदर आ जाएं। एक लाइन में आने के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चांद के रास्ते रवाना कर दिया जाएगा और फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ दिया जाए, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोल कर ये आगे निकल सकता है, यानी ये उससे भी आगे निकल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बेकार हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कदम पर वैज्ञानिकों को सावधानी रखनी होगी। चांद के ऑर्बिट में डालने के लिए चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा। चांद की कक्षा पकड़ने पर धीरे धीरे यह चांद के नजदीक चला जाएगा। 23 अगस्त के दिन वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि यह चांद के उस हिस्से में जाकर उतर जाएगा जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के अंतरिक्ष यान भी इस जगह पर औंधे मुंह गिर जाते हैं। वहां पर भारत का यह मुसाफिर उतरने वाला है। चांद का दक्षिणी ध्रुव इलाका है जहां पर क्रेटर यानी गड्ढों की भरमार है। कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर गहरे हैं और सैकड़ों किलोमीटर चौड़े ही। कोई भी मिशन में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आज से पहले वहां पर केवल ऑर्बिटर पर ही जानकारी ली गई है, तो सतह पर जाकर किसी भी रोवर ने वहां से जानकारी नहीं भेजी है। इसलिए अब भारत का यान वहां पर उतरेगा तो वहां पर मौजूद नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है चांद के इस भाग में हम इंसानों के फ्यूचर में काम आने वाली कोई बड़ी एनर्जी सोर्स के बारे में पता लग सके, जो आज पेट्रोल और डीजल बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं। अगर कोई तीसरा एनर्जी सोर्स मिल जाए तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि तीसरा सोर्स हमें चांद पर मिल सकता है। बाकी आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।